सबको पहले तो होली की शुभकामनाएं, सब खुश रहें, अच्छी तरह से होली मनाएं। मेरा नाम सावित्री है। मैं 2010 में ऐसी हो गई थी कि मैं स्कूल में चल के भी जाती थी तो 3 जगह बैठ के जाती थी, और मैं सोच रही थी अब घुटने चेंज नहीं हो सकते मेरे। मैं डॉक्टर साहब से मिल के इतनी प्रभावित हुई उनको देख कर ही कि मुझे लगा कि अब ये मेरे उन्हें जान देंगे, और मेरे दोनों घुटने 2010 में बदले। और हफ्ते में मैं सोचा कि मैं ये वाकर नहीं लूँगी। इन्होंने जब सीढ़ियाँ चढ़ाई तो मैं सोच रही थी अब कई महीने शायद बिस्तर पे रहना पड़ेगा, पर इन्होंने तीसरे दिन मुझे जब सीढ़ियाँ चढ़ाई और छठे दिन कहने लगे आप सीढ़ियाँ चढ़ के अपने घर जा सकते हो, और मैं खुशी खुशी घर गई। और मैंने वाकर भी एक हफ्ता ही रखा, एक हफ्ता मैंने वो डंडी रखी, उसके बाद तो मैं फिर दौड़ने लग गई। और मेरा इतना जी करता था कि चलती रहूँ, कोई मुझे दर्द नहीं हुआ। 3 महीने बाद मेरे कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, और मैं फिर डॉक्टर साहब से मिली तो इन्होंने कहा कि ये कंधा भी रिप्लेस कर लो। मतलब मेरे में इतनी हिम्मत थी, इन्होंने कहा मैं कहा घुटने अगर अच्छे हो गए तो कंधा भी अच्छा होगा। 3 महीने बाद ही मैंने कंधा चेंज करवाया। उसके 2-3 साल के बाद कुल्ले से मैं बैठ गई, चल नहीं पा रही थी, तो मेरा 3 साल के बाद इन्होंने कुल्ला ये बदला। और कुल्ला बदलने के बाद मैं इतनी चल रही हूँ, इतनी अच्छी तरह चल रही हूँ कि मैं सोचती थी कि शायद मैं बेड से कभी उठ नहीं पाऊँगी, लेकिन आज मैं 80 साल की हूँ और 8-10 किलोमीटर हर रोज़ घूमती हूँ। शुक्र है इन डॉक्टर साहब का, देवता है हमारे, तो हम इसको बेटा कहें, देवता कहें। और मैंने मतलब जो भी मुझे मिली उसको मैं तीसरे दिन ये ले आई पकड़ के कि चल डॉक्टर साहब चलाएंगे और ऑपरेशन कराएंगे। आज मेरे सामने वे जी बैठी हैं। अभी 2 महीने पहले बिल्कुल निराश हो चुकी थी कि मैं तो कभी नहीं कराऊंगी, ये मेरे को देख के और अब करवा के अच्छी तरह चल रही है। इससे पहले 2-3 और मैं साथ लेके आई और उनको ऐसे चलाया, अब वो ऐसे चलिए। बहन जी आपकी देन है कि जिस हम पैरों से चल रहे हैं। मैं 2 महीने पहले डॉक्टर साहब से मिली थी, मेरा बेटा कहने लगा कि आप पूछ के आना कि अभी घुटने कितने दिन चलेंगे। मैं बोली डॉक्टर साहब कितने दिन और चलें? डॉक्टर साहब कहने लगे जब तक जियोगे दौड़ते ही रहोगे, और शायद इनकी वजह से मैं दौड़ती ही रहूं। आशीर्वाद बहुत बहुत बेटा, और मैं तो कहूँ जो मुझे ज़िंदगी दी है वो सब लो और आराम से जियो, खूब चलो, खूब दौड़ो और स्वस्थ रहो। धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद।